हेलो स्टूडेंट्स, नाउ द टॉपिक इज रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1, मैथमेटिक्स, क्लास 10th. बिफोर नोइंग द रियल नंबर्स वी मस्ट नो फ्यू अदर डेफिनेशन ऑल्सो. द फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. इट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नाउ नेक्स्ट, होल नंबर्स. जीरो अलॉन्ग विथ ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर्स. इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो वन से स्टार्ट हो रहे हैं. होल नंबर्स क्या हैं? जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज योर इंटीजर्स. बिफोर नोइंग इंटीजर्स यू मस्ट नो वाट आर नेगेटिव ऑफ अ होल नंबर. नेगेटिव ऑफ अ होल नंबर मीन्स 3 का नेगेटिव -3, 8 का नेगेटिव -8, इन्फिनिटी का नेगेटिव -इन्फिनिटी. तो ऑल नंबर्स फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी आर कॉल्ड इंटीजर्स. इन अदर लैंग्वेज इंटीजर इज अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव. यानी एक ऐसा सेट जिसमें होल नंबर्स भी हैं और उनके नेगेटिव भी हैं, दैट इज योर इंटीजर्स. नाउ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन which we are learning from our previous classes, rational numbers. Any number that can be written in the form of p upon q, where both p and q are integers and q not equal to 0, are called rational numbers. ठीक है, suppose 7 upon 3, -7 upon -3, these all are example of rational numbers. Now two important points. All integers can be expressed as rational. Very true. Suppose -7, that is an integer, it can be written as -7/1. 5 is an integer, it can be written as 5/1. Now talking about decimal expansion, so decimal expansion of rational number terminates or non-terminating recurring. It means agar main एक रैशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूँ तो आंसर इट कैन बी योर टर्मिनेटिंग और इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ठीक है, एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग इज 0.375 एंड द एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज 0.3333 एंड सो ऑन. नाउ इरैशनल. इरैशनल की डेफिनेशन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ योर रैशनल नंबर्स. इट मीन्स numbers which cannot be written in the form of p upon q. And talking about decimal expansion, so decimal expansion of irrational numbers are non-terminating, non-recurring. Na to terminate honge aur na hi wo repeat karenge. For example, 0.375893214 and so on. Now root of prime numbers like 2, 3, 5, 7 are irrational. It means root 2, root 3, root 7, root 11. These all are the example of irrational numbers. Now, what are real numbers? The topic of the day. All rational and irrational numbers are called real numbers. In simple language, real number ek box hai. That box will have your rational also, irrational also. Ek box mein aapne irrational numbers bhi dal diye aur rational bhi dal diye. So that box will be called a box of real numbers. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. डेफिनेटली ट्रू. होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. नाउ नेक्स्ट, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. बिल्कुल, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव. नेक्स्ट, all integers are rational numbers. I have given the example before also. -5 can be written as -5/1, that is a rational number. All rational numbers are real numbers and all irrational are real numbers. Definitely true, because real number is a combination of rational and irrational. Now next two important, prime numbers and composite numbers. Pehle ek cheez dhyan dena, one is neither a prime number nor a composite number.
वन को हमने दोनों कैटेगरी में नहीं रखना है। नाउ प्राइम नंबर्स, द नंबर्स ग्रेटर देन वन विच आर डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर इट्सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक तो वन एंड द नंबर इट्सेल्फ, करेक्ट। एंड इफ इट अगेन इफ इट विल हैव मोर देन टू फैक्टर्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। सी द डेफिनेशन, द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन इट्सेल्फ एंड द अदर नंबर और नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट। इन सिंपल लैंग्वेज, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय वन इट्सेल्फ एंड एनी अदर नंबर अपार्ट फ्रॉम दीज टू, इट विल बी अ कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देख लो, टू के फैक्टर्स क्या होते हैं, वन और टू। कम टू थ्री, द फैक्टर्स आर वन एंड थ्री। कम टू फोर, द फैक्टर्स आर वन टू एंड फोर। सो वी कैन से दैट टू इज अ प्राइम, थ्री इज अ प्राइम एंड फोर इज अ कंपोजिट नंबर। नाउ टू पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आई थिंक ऑल दिस डेफिनेशन आर क्लियर टू यू।